2023 विधानसभा का चुनाव अब सर पर है और बिलासपुर के मतदाता और यहाँ के वोटर आखिर कहते क्या हैं, हम उसके नज्म को टटोलेंगे और उनके दिलों को टटोलेंगे। आखिर यहाँ के मतदाता कहते क्या हैं, आइए हम जानते हैं कि यहाँ के मतदाताओं का रुझान किसकी ओर है। राजनीति की बात हो और चाय ना हो या फिर चाय पर राजनीति की चर्चा ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर में और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे तमाम युवा, छत्तीसगढ़ का भविष्य। हम उनसे ही बात करेंगे। 2023 विधानसभा का चुनाव होना है और क्या है और किस तरह की जो सोच वो रखते हैं, बताएंगे कि 2023 विधानसभा का चुनाव है, क्या अपेक्षाएँ हैं आने वाली सरकार से या फिर जो नेता बनते हैं उनसे। रायपुर के बाद सबसे बड़ा हब अपना ये बिलासपुर शहर है, ये अपना एजुकेशन हब है मान लीजिए, लेकिन यहाँ पढ़ाई के नाम पे धंधा हो किया जा रहा है जी। मतलब हर चीज़ के लिए कोचिंग का पैसा हर चीज़ में। सरकार से यह उम्मीद है कि पढ़ाई सस्ता हो। अभी 7 लाख 12वीं में पास हुए हैं बच्चे और जिनमें के 4 लाख पास हो पाए हैं, लेकिन उन 4 लाख को भी यहाँ एडमिशन शायद ही मिल पाएगा। यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब यही कि हायर एजुकेशन होना चाहिए और भी जी जी, और हायर एजुकेशन होना चाहिए। इतना यूनिवर्सिटी है यहाँ, कॉलेज है यहाँ पढ़ाई के लिए, लेकिन यहाँ बोले तो नहीं हो पाएगा एडमिशन, बहुत ही कम एडमिशन हो रहा है और वैसे ही उसी तरह हो रहा है सर। बिल्कुल, और भी हमारे बीच मौजूद हैं लोग हैं, स्टूडेंट हैं, बताएंगे कैसा आप लोगों का भविष्य लगता है, सरकार को लेकर के क्या उम्मीदें हैं। 2023 का चुनाव आना है और जिस तरह से वादों का दौर चलेगा, क्या लगता है। जी सर, देखिए कि जो सरकार है, जो नेता होते हैं, वो सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन वादों का कोई मतलब नहीं है। वादे ऐसे होने चाहिए जिन्हें निभाया जा सके। ये जो 2 रुपये किलो चावल देने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके बजाय एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग हैं परंतु लोग यहाँ बाहर से बुलाए जाते हैं, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले ये चाहते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास नारी शक्ति भी है, बताएंगे आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप लोगों का भविष्य अभी सुनिश्चित करना है, क्या उम्मीदें हैं आपको। करप्शन भी बहुत बढ़ता जा रहा है, रेप हो रहे हैं, लड़कियों से छेड़खानी हो रही है, लड़कियाँ सेफ नहीं हो रही हैं। सरकारें बातें भी बहुत बड़ी बड़ी कहती हैं कि नहीं, हम लड़कियों के लिए भी कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो सब हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सब हो। कुल मिलाकर ये सब अपराध है या फिर इस तरह के जो लड़कियों के साथ जो अत्याचार अन्याय होता है, उस पर प्रतिबंध लगे, ये चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप क्या सोचिए। बीइंग अ स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, मेरा सबसे बड़ा सवाल सरकार से ये होता है कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि इतनी वैकेंसीज निकलेंगी, उतनी वैकेंसीज निकलेगी, लेकिन 4 साल 5 साल हो जाता है, वैकेंसीज निकलती नहीं है और युवा बेरोजगार बैठा रहता है। वादे बड़े बड़े किए जाते हैं कि हम ये पोस्ट निकालेंगे, ऐसे रोजगार मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं होता है। आरक्षण का केस काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था, जो अभी जा करके कहीं गलती से सुधरा है, तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इस कारण से। तो सरकार झूठे वादे करती है जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाती है जी। ये क्या आप क्या सोचते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, जब भी अब तो दौर आ गया है, कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएंगी, बिलासपुर किस तरह से विकसित हो रहा है, क्या लगता है आपको। देखिए, विकास का बोले तो 50-50 बोल सकते हैं, विकास जैसा होना था वैसा हो नहीं पा रहा है। एक स्टूडेंट होने के नाते हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से पढ़ाई को लेकर ही रहा है। जो भी है, कॉलेजों की कमी है छत्तीसगढ़ में हमारे, जैसे कि भूपेश बघेल सरकार हमेशा से वादा करते आई है कॉलेज खुलेंगे, सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे कॉलेजों में, वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इससे पहले क्या सरकार थी वो अच्छा काम करती थी, क्या लगता है आप। बोल सकते हैं, लेकिन 15 साल में उन्होंने भी कुछ खासा नहीं किया है। एक इसे ये भी बोल सकते हैं कि भूपेश बघेल सरकार थोड़ा सा उससे बेहतर काम कर रही है, अगर उसी स्पीड में चले तो 15 साल में कुछ ज़्यादा ही विकास कर सकते हैं। चलिए, हमारे बीच सिविलियन भी है, बताएंगे क्या है, अभी चुनाव आने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप लोग भी चुनाव। पॉलिटिशियन से तो कोई वो ऐसा उम्मीद नहीं रखते हैं, हम उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बट एजुकेशन में रहते हैं, कोचिंग वोचिंग करते हैं, बट एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट इतना चेतन नहीं है अभी। तो क्या है कि गवर्नमेंट बताती है कि इतना वैकेंसी के लिए इतना वैकेंसी निकला है, उससे ज़्यादा फॉर्म डल जाते हैं। युवा के लिए कितना सुरक्षित है हमारा छत्तीसगढ़। युवा के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, EBP के लिए भी कोई इतना जागरूक नहीं है, यहाँ कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता है,
और जो छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है उसमें वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट कहती है कि इतना वैकेंसी निकली है, इतना फॉर्म डला है, अच्छे ऊंचे आवाज़ में कहती है इतना फॉर्म डला है, लेकिन उन्हें अपने आप में शर्म आना चाहिए कि इतना फॉर्म क्यों डला है, क्योंकि इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है ना छत्तीसगढ़ में। चलिए देखिए, मुद्दे अलग हैं, लोग चाहते हैं कि वो बेरोजगार ना रहें और साथ ही साथ यहाँ पर कानून सख्त हो, खास करके उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो यहाँ पर सुरक्षित रहें। ये तो युवाओं की आवाज़ थी, युवाओं की बात थी, लेकिन हम और भी बात करेंगे बिलासपुर के आम जनता से, आम नागरिक से, आम किसान से, मजदूर से, और आखिर वो कहते क्या हैं। आखिर क्यों बिलासपुर के जनता ने चार बार विधायक रहे अमर अग्रवाल पर असहमति जताई और नए विधायक को चुना, हम जानेंगे कि क्या ऐसी वजह रही होगी। बताएंगे क्या ऐसी वजह रही कि जनता की नाराज़गी देखने को मिली। नहीं, एक्चुअल में क्या जनता की नाराज़गी नहीं थी बिलासपुर में, ये एंटी इनकम्बेंसी जो था छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा का शासन है, बस इस कारण से अमर अग्रवाल का जो हार हुआ है वो कारण सिर्फ यही था कि एंटी इनकम्बेंसी। क्या लगता है इस बार आ पाएंगे? इस बार तो नहीं, वापसी तो बिल्कुल होगा ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी जो चल रही है वो तो लोगों को दिख ही रहा है कि मतलब कितना अपराध बढ़ेगा छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर में तो बहुत ज़्यादा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के शासनकाल में अपराध बढ़े थे। नहीं, बीजेपी के शासनकाल में तो कोई अपराध ही नहीं होता था, अपराध तो अब देखने मिल रहा है, रोज का रोज चाकूबाजी, गुंडागर्दी, गैंगवार, ये सब चल रहा है, अवैध काम हो ही रहे हैं, रोज पेपर में पढ़ रहा, आदमी टीवी में देख रहा है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये ऐसा तो नहीं कि लोग नए चेहरा चाह रहे हैं बिलासपुर के लिए जैसे कांग्रेस ने बदला था? नहीं, लोगों को उस समय ऐसा लगा कि एक नया चेहरा आ गया है, शैलेश पांडे जो कांग्रेस से विधायक हैं अभी, लेकिन ये 4.5 साल में देख लिए कि वो तो किसी काम के नहीं है, तो शहर में दिखाई ही नहीं देते, वो उनको सिर्फ बात करना आता है। फिर तो बाद में लोगों को पता चला कि अमर अग्रवाल सबसे सही आदमी थे जो कम से कम बिलासपुर का विकास किए, आज विकास खत्म हो चुका है। चलिए, उम्मीदों पर दुनिया टिकी है और यही उम्मीद, यही कयास बीजेपी है वो लगा रही है, जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं, लेकिन हमारे बीच मौजूद हैं व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मेडिकल व्यवसायी हैं, अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या राय रखते हैं, उनकी क्या सोच है सरकार को लेकर के, और ख़ास करके जो मतदाता हैं और हमारे ये वोटर क्या कहते हैं कि आखिर किसकी सरकार आने वाली है या कौन उनके विधायक होंगे, कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा, हम उन्हीं से ही बात करेंगे। क्या लगता है, आप एक मतदाता हैं बिलासपुर के, सजग मतदाता हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार अब अच्छा काम कर रही है या पहले कर रही थी? पहले अच्छा काम थी जी। अभी तो यहाँ पर तो लगभग ठीक ही है, अंदर जाके आप देखें गली कूचों में आए दिन सड़क जाम, दुनिया भर सब दुनिया भर के होते रहते हैं, पहले शासन ठीक थी। खुदाई सीवरेज का तो पहले भी चल रहा था, पहले होता था सर, लेकिन अभी तो जो जाम ना देखी ना अभी परिस्थिति का जो है, हाँ। तो पता चलेगा ना, पहले तो थोड़ा ठीक भी था जो है, अभी तो एकदम और जाम। आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या होना चाहिए व्यापार में और बेहतर क्या हो सकता है? बस ये है, सबसे अच्छा भी है जो अच्छा काम करेगा, अच्छा जैसे व्यापार में भी ऐसे है, अब लगभग ठीक है चल रहा है आपका, गरीबी गुजार जैसे चल रहा है, आए दिन टैक्स बढ़ा, हर चीज़ बढ़ी चल रही है, कहाँ का घाटा का पड़ा है जी, सिर्फ परेशान बस है व्यापारी का जो है, हम लोग जैसे छोटे कर्मचारी और परेशान है जी। अब और हम भी बात करेंगे, बताएंगे भैया आप लोग व्यापार करते हैं, क्या लगता है कि कैसी सरकार होनी चाहिए, व्यापार में कितनी संतुष्टि आप लोग को? पहले की सरकार अच्छी थी, अभी जो है आए दिन आने के शहर में गुंडाई गर्दी चल रहा है और आदमी जी नहीं पा रहा, पूरा चारों तरफ देखो तो खुदाई करके छोड़ दिए हैं, काम कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्या खुदाई तो पहले भी हुआ, तो क्या उससे ज़्यादा भी खुदाई हो रहा है? अब लोग तो इसको गड्ढापुर भी कहते हैं बिलासपुर की जगह, कहते थे गड्ढापुर, बाकी अभी जो है ना हर गली में भी पूरी गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है, निगम सरकार भी वैसी है, पहले की सरकार ठीक थी जी। चलिए, 2 जून की रोजी रोटी कमाने वाले लोग भी क्या सोचते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। रोज ये ऐसे व्यवसायी हैं जो रोज ठेला लगाते हैं, गुमटी लगाते हैं, क्या लगता है आपको कि अब 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, कौन सी सरकारें आएंगी, किससे उम्मीदें हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, क्या है आप मतदाता हैं जी, क्या क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद रखते आना चाहिए सर जी? क्यों कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस के सरकार में सब देख रहे हो कैसे चल रहा है, अच्छा महंगाई ज़्यादा हो रहा जी, यहाँ महंगाई से कोई खाने के लिए भी नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ में हो गया महंगाई के हिसाब से, सिलेंडर दे रहे हो कितना महंगा हो गया,
सारे चीज महंगाई होते जा रहा है सर। लगता है बीजेपी आए। हाँ चलिए, देखिए जितनी लोग उतनी बातें होती हैं। आप भी छात्र हैं जी, का व्यवसाय करते हैं, क्या लगता है आपको पहले की सरकार अच्छी थी कि अब क्या उम्मीदें हैं? सरकार तो सर अभी की अच्छी है। क्यों, क्या है? पहले से काफ़ी शांति है, पहले नहीं था, अभी बहुत शांति। अभी आपका एक साथी बोला है आप, उनकी सोच अलग है मेरी अलग है। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल, और भी व्यापारी हैं हमारे बीच, हम बात करेंगे, बताएंगे क्या लगता है आपको। अभी तो बिलासपुर में तो सब कुछ बढ़िया है, पुलिस प्रशासन भी बढ़िया कार्य कर रहा है। मतलब सरकार अच्छी है? सरकार अच्छी है कांग्रेस की। कांग्रेस की। अच्छा जी, तो क्या लगता है अभी, अब जब शैलेश पांडे जी विधायक है, अमर अग्रवाल और नाराजगी आप लोगों को देखने पड़ी, तो आने वाले समय में क्या लगता है किसके सर पर ताज होगा? बिलासपुर के मतदाता किसको चुन सकती है, एक टेंटेटिव संभावना क्या है? अब ऐसा तो लगता है कि बिलासपुर में तो हो सकता है कि अमर अग्रवाल फिर से आ जाए, लेकिन सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आएगी। ये दो तरह की बातें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट बात कर रहे हैं आप कि सरकार कांग्रेस अच्छी है और बिलासपुर में अमर अग्रवाल जीतेगा, कैसा? मतलब कांग्रेस में यहाँ मतलब विधायक जी ने पता नहीं ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं किया ऐसा लग रहा है जी, और अमर अग्रवाल जी थे तो कार्य अच्छे होते थे। बिल्कुल, अपने आप में ये जो बात है अलग सी बात है। लोग कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की अच्छी है, लेकिन विधायक जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो उनको लगता है कि यहाँ पर जीत बीजेपी की होगी, तो ये अपने आप में अलग बात है। अब देखना ये होगा कि आखिर बिलासपुर के मतदाता है किसके सर पर ताज रखते हैं। व्यापारियों के राय जाने, हमने आम जो गुमटी ठेला चलाते हैं उनके भी राय हमने सुना है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, किस सरकार पर, किस विधायक पर और किस पार्टी के लोगों पर उनका भरोसा है। मतदाता नेताओं के भविष्य तय करते हैं, और हम इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के एक वार्ड में, और यहाँ के जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो क्या सोचते हैं, किस तरह का उनका विचार है, हम उन्हीं से बात करेंगे कि हमारा ये वोटर क्या कहते हैं। क्या लगता है आपको, वार्ड को देख करके नहीं लगता कि सफाई है, या फिर किस तरह की दिक्कतें आप लोग को हो रही हैं? 4.5 साल हो गए विगत जी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के पार्षद इस वार्ड के, शहर के महापौर भी कांग्रेस के हैं, शहर के विधायक भी कांग्रेस के, उसके बाद भी ये वार्ड अछूता रह गया है, जनता परेशान है। आप दूर की बात नहीं करूंगा, यहाँ के जो पार्षद हैं हमको नज़र भी नहीं आते, लोग मिलने के लिए परेशान होते हैं, वार्ड की समस्या काम को तो दूर। 4.5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और यहाँ के पार्षद जो थे उन्होंने इस वार्ड में लगभग 2 करोड़ के काम करवाए हैं, माननीय अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री जो इस समय थे, उस समय वार्ड की विकास की गंगा बह रही थी और आम नागरिक जो है बहुत ही खुशहाल था, लेकिन आज जो है जनता 4.5 सालों में इस तरह से परेशान है कि मत पूछिए उसके बारे में। क्या अब इतनी अच्छा काम कर रहे थे अमर अग्रवाल जी, नाराजगी जनता की, मतदाताओं की देखनी पड़ी, हार मुँह की खानी पड़ी? हार देखिए, ऐसा है 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी हो जाती है, और एक परिवर्तन की जो है लहर चल रही थी जी, उस बीच में उनको भी हार का सामना करना पड़ गया। अभी के मतदाता होने के नाते अब क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार किसकी आएगी, किसका, कौन आपका विधायक बन सकता है? जनता आज इतनी तकलीफ से झेल रही है, लोग कहते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। किसान तो कहते हैं कांग्रेस, देखिए ऐसा है 100% तो पूरे बीजेपी के लोग हो नहीं सकते, चाहे कितनों भी अच्छा काम कर दीजिए। किसान को ऐसा है, अभी जो ये बघेल जी ने उनको लालच दिया, पिछले 4.5 वर्षों पहले भी बहुत ही बेवकूफ़ बनाया है उनको, कई जनता को, जैसे अभी शराबबंदी की बात कही गई थी, आज यहाँ तो 2200 करोड़ घोटाले में घुस गया वो। चलिए चलिए, और भी हैं हमारे बीच मतदाता, बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या लगता है कि आपका विधायक कौन होगा? मैंने कम से कम 4.25 करोड़ का काम किया था यहाँ जी। मेरे वार्डों में एक भी ऐसे गंदा नहीं रहता था, मैं सुबह 6 बजता था तो मैं अपने वार्ड में पूरा एक एक गली जाता था, मेरे वार्ड का जनता मेरे से इतना खुशी था कि मैं क्या बताऊंगा, कि गली में जाके सर्वे करो
कि मैं कैसे पार्षद था। अब क्या कहते हैं, हाँ क्या आपके वार्ड के मतदाता? मेरे वार्ड का जनता यही बोल रहा है कि भूपेश बघेल अरपा परजोक में आया था, कहा था कि अमर अग्रवाल तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, हमारे सरकार लाओ। तो हमारे वार्ड के जनता क्या सोचा कि हमने 152 वोट से कांग्रेस के विधायक शैलेश पांडे को जिता दिए, आज वही सरकार 50-55 साल का बस्ती को तोड़ रहा है। इतना निकम्बा सरकार है, आपके सामने में नाली है, देख रहा हो स्थिति, ऐसा निकम्बा पार्षद है कि 1,000 रुपया लेके राशन कार्ड बना रहे और सरकार कह रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा नहीं कर रहा है वो, नवंबर तक का है वो। और आप लोगों को पानी सड़क बिजली मिल रही है? आज तक मेरे वार्ड में 4.5 साल हो गए पार्षद को, 1 रुपया का काम किया होगा बता दे। ये बिल्कुल नाराजगी देखी जा रही है और जिस तरह से आम लोग हैं वो नाराज हैं और यहाँ की गंदगी, पसरी हुई गंदगी इनकी नाराजगी का सबब भी बयां कर रही है, तो ये कहा जा सकता है। हम दिखाना चाहेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं और उसकी तस्वीर दिख भी रही होगी कि आपको देखें कि पार्षद नहीं आते या फिर विकास का काम नहीं हो रहा है। इसकी यही वजह है कि ये नाराजगी आम लोगों को दिख रही है और अब जब कुछ दिन बाद ही जब आचार संहिता लगेगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये यही मतदाता है, यही वोटर्स है जो यहाँ के शहर सरकार भी बनाएंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक का भी चयन करेंगे। देखना यह होगा कि आखिर ये जनता किसको अपना जो है मत देती है और किसे विजयी का सेहरा पहनाती है। हम तो देखते हैं इसमें आम जनता के हिसाब से कहीं पे कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है और कांग्रेस का है या भाजपा के हैं, लगभग दोनों एक ही है। मैंने आम जनता के लाभ के लिए ऐसा कोई नज़र नहीं आता। कुछ विकास अभी 4.5 सालों में बिलासपुर नहीं, हमको तो ऐसे देखने में कोई ऐसा नज़र नहीं आता, जैसा था वैसे आज भी दिखता है। क्या आवश्यकता है अगर शहर के हिसाब से, आप लोगों ने बहुत सारे चुनाव शहर में क्या देखिए, अब रोड का ही ले लीजिए तो जो मजिस्ट्रेट जहाँ गुजरते हैं वो रोड बड़े अच्छी है, बाकी गली मोहल्ले का कहीं पे कोई अंतर नहीं आया है इस 5 साल में या 7-8 साल में, ऐसा कोई अंतर नहीं आया, वैसे की वैसी है। बदलाव की जरूरत है। बदलाव में ऐसा फ़ायदा तो होता है थोड़ा बहुत कि चेंज आता है, तो और उसी को अगर रिपीट कर दे तो वो उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो कुल मिला के कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें। तकदीर कभी किसी की बदलती नहीं है, हाँ ये है कि जब सरकारें बदलती हैं, जब किसी को ऐसा लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बदल दिया जाऊंगा, तो निश्चित तौर पे कुछ काम पब्लिकली होता है और अगर वही सरकार रिपीट होती है तो उनको तो लगता है कि हमारा पट्टा लिखा गया है, तो आम तौर पे उस पर डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाते हैं। रोजमर्रा जिंदगी बहुत बदलाव नहीं आते हैं कि अगर भाजपा आ जाएगी तो बहुत बड़ा बदलाव कर देगी करके, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, वो जो है नहीं हो पाता है। अभी अभी फिलहाल क्या लगता है कि क्या विकास के काम रुका हुआ है, जैसे बिलासपुर हब सेंटर है और ये एजुकेशन के लिए, फिर भी बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन में भी बहुत दिक्कत नहीं, एजुकेशन चिकित्सा सभी में क्या होता है ना कि वो काम नहीं हो पा रहा है जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करे वो, है ना, और उसमें बिलासपुर निश्चित तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ लगता है हमको कि जब नई राज्य बनने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि बिलासपुर को कुछ वीजा है करके, अगर हम तुलना करें तो रायपुर में बहुत काम होता है, तो यहाँ बिलासपुर बहुत पीछे रह जाता है। ठगा सा महसूस, हाँ कि यहाँ बिलासपुर जो है वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, कई काफ़ी यहाँ से जा रहे हैं रायपुर चल देते हैं। 15 साल तक के भाजपा जो कार्य किया था वैसे तो उसका कार्य सराहनीय था और अभी जो हमारे श्री बघेल जी हैं कुछ काम अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम लटका के पड़े रहते हैं कि कई जैसे अभी किसानों का कई प्रकार का प्रलोभन दे करके जैसे सरकार बना उस हिसाब से उनका भी कोई विशेष विकास नहीं हुआ। जैसे हमारे शहर में अभी अब हमारे शहर में देखो तो विकास का कार्य पूर्ण रूप से बंद है ना, और कई कार्यों के लिए हम महापौर से भी जाते हैं, एक ही शब्द महापावर का है कि क्या करें हमारे फंड में तो पैसा ही नहीं है, कई काम से मैं मुद्दा से खुद गया हूँ। आपको बनाया गया है कि हमारे जितना जनता है उसको सुविधा मिले,
क्या लगता है कि सरकार को इस बार बदलेंगे, सबक सिखाएंगे? लगभग लग रहा है कि सरकार कितना भी अभी प्रलोभन करे, चाहे 20 क्विंटल ले के 2800 धान ले, किसान भी थोड़ा सतर्क हो गए हैं। ये शहर में तो कांग्रेस